Yes, anyone, please. What is the condition which we can say as profit maximization? मतलब किसी ने बुक खोल के पढ़ा नहीं एनसीईआरटी का, राइट? यस देवांशी, देवांशी आपने अनम्यूट किया? That's why नहीं. नहीं, देवांशी ने भी अनम्यूट किया. देवांशी ने भी किया. हाँ, वाई नहीं बोलो. सर, जब प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है, जब प्रोड्यूसर को उस जितना वो प्रॉफिट चाहता है, मतलब जितना वो प्रोड्यूस करना चाहता है, जब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, तब हम उस सिचुएशन को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहते हैं. अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, जैसे आपने अभी एक लाइन कहा कि वो जितना प्रॉफिट कमाना चाहता है, चाहता तो शायद उतना प्रॉफिट है जितना आप और मैं सोच भी नहीं सकते. डोंट यू थिंक कि वहाँ पर एक पॉइंट होता है ना? तो देयर आर टू वर्ड्स, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. इसको क्या कहते हैं, ये क्या है? सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है? अपनी एक जनरल कंसेप्शन. सुपर नॉर्मल, एक नॉर्मल प्रॉफिट है और एक सुपर प्रॉफिट है. तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा और सुपर प्रॉफिट क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? शॉर्ट टर्म मार्केट की बात कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है? एनीवन? ओके, सो नॉर्मल में तो मतलब जैसे मैंने पढ़ा था, तो उसमें था कि आपका टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट होती है वो जब इक्वल होती है, मतलब जितना वो चाहता है उसकी जितनी कॉस्ट होती है और रेवेन्यू इक्वल होता है, तब होता है नॉर्मल प्रॉफिट. हाँ, ये मतलब राउंड अबाउट सेम रहता है, ठीक है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट राउंड अबाउट सेम रहता है, तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है? और हाँ, और जो सब नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल कहते हैं उसको. बुक्स में सब नॉर्मल था. हाँ, हाँ, तो उसमें ये था कि जब टोटल कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है टोटल रेवेन्यू के, वो तो फिर लॉस हो गया ना? हाँ, वो लॉस हो गया क्योंकि जो हमने रेवेन्यू हमें मिला वो कॉस्ट से कम मिला. हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का. मैंने तो यही पढ़ा था. कोई है जो बता पाएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो सकता है? नहीं, अरे आप बात इतनी सी समझो ना कि सुपर प्रॉफिट वो हो गया जहां पर बेसिकली जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ऊपर है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, तो वो बेसिकली सुपर सुपर प्रॉफिट हो जाता है. और ये जनरली सिर्फ शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होता. शॉर्ट टर्म में कोई एक पीरियड ऐसा आ जाता है जहां पर आपका एक सुपर प्रॉफिट होता है आपको, देन अगेन वो वापस डाउन की तरफ चला जाता है और हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाते हैं, ठीक है? यही होता है बेसिकली, और कुछ नहीं है. तो चलो हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को थोड़ा बुक में जो लैंग्वेज है उसके थ्रू समझते हैं. कहीं पे भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को प्लीज बता देना, ठीक है? A firm produces and sells a certain amount of a good. The firm's profit denoted by pi is defined by to be the difference between its total revenue and its total cost of production. In other words, pi is equal to total revenue minus total cost. ये हम सब जानते हैं. अब अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में बात करोगे अगर, तो हमें ये पता है कि टोटल रेवेन्यू, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है या जो वेरिएबल रेवेन्यू है वो सिर्फ एक ही है शॉर्ट टर्म वाला, दैट इज लेबर. लॉन्ग टर्म के अंदर सब कुछ वेरिएबल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक ही है, दैट इज लेबर. तो आपको ये ध्यान रखना है जब हम आगे पढ़ेंगे तब, ठीक है? अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसको समझना. तो फिर अगर हम TR और TC का फर्म का अर्निंग को अगर माइनस कर दें, जो गैप आएगा वही उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है? अब कोई भी फर्म हो वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है अपना, ठीक है? लेकिन जो क्रिटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आउटपुट का कौन सा लेवल है जहां पर फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होता है, ठीक है? अब अगर हम एज्यूम करें दैट आउटपुट इज परफेक्टली डिविजिबल, वी नाउ सो दैट इफ देयर इज अ पॉजिटिव आउटपुट लेवल QO एट व्हिच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड, देन थ्री कंडीशंस मस्ट होल्ड. अगर हम एक आउटपुट लेवल मान लेते हैं QO जहां पर पॉजिटिव आउटपुट लेवल है, ठीक है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए तीन कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए.
three conditions must get fulfilled. Number one, the market price P is equal to the marginal cost at QO. हमने पढ़ा था ये चीज कि when marginal cost is equals to profit, ठीक है, तब जो होता है profit maximum होता है, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है. The marginal cost is non-decreasing at QO. इसका मतलब ये है कि जो marginal cost है, वो decreasing slope में नहीं होना चाहिए, वो increasing slope में होना चाहिए. अगर वो decreasing slope में हुआ, तो इसका मतलब क्या है? आगे आपका और profit बढ़ने के chances हैं. इसीलिए वो decreasing slope में नहीं होना चाहिए. वो हमेशा increasing slope में, जहाँ पर आपका price is equals to marginal cost आ जाएगा, वो जगह हो जाएगा आपका maximization of profit in short term. और इन द शॉर्ट टर्म द मार्केट प्राइस पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. जो शॉर्ट रन है उसके अंदर जो मार्केट प्राइस है वो या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट के. क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में सिर्फ वही वेरी करता है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है ही. इन द लॉन्ग रन द मार्केट प्राइस पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन में है क्योंकि सिर्फ एक चीज वेरी करता है, दैट्स व्हाई. और लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट है क्योंकि दोनों वेरिएबल है, चाहे आप लेबर की बात करो, चाहे कैपिटल की बात करो, चाहे फिर आप अलग अलग और चीजों की बात करो जो कि आपके एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, ठीक है. तो अब हम तीनों कंडीशन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो तीन कंडीशंस बताए हुए, ये समझना बहुत अच्छे से, कहीं कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है. कंडीशन वन का केस वन, प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इज रूल्ड आउट. ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो उसको रूल आउट हमें करना पड़ेगा. Obviously, why? Observe that for all output levels slightly to the right of Q2, the market price continues to exceed the marginal cost. ये देखो, आपको ये ग्राफ देखो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, आप इस ग्राफ को अगर आप ठीक से देखोगे, तो जो चीज समझने की है वो ये है कि अगर आप इसको profit maximization की जगह मान लेते हो, तो ये possible नहीं होगा. दो P is equals to MC यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन हम इसको नहीं मान सकते कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है. उसका रीजन क्या है? जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा कि इसके बाद अभी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीजिंग लेवल पे जा रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है. इसका मतलब क्या, अगर आप इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो, यहां पर आपका प्रॉफिट इससे ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा. लेकिन अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, इफ यू विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट, द एफ पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, तो क्या होगा, इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है. तो दैट्स व्हाई दिस एफ पॉइंट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ द सप्लायर, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है सप्लाई साइड से, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, क्योंकि जो आउटपुट है और जो प्राइस है वो यहां पर मैच कर रहा है, पी इज इक्वल्स टू एम सी हो रहा है, नंबर वन. नंबर टू, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो राइज हो रहा है, इसके बाद डाउन नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, इसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसके बाद जो भी कॉस्ट होगा वो ज्यादा होगा प्राइस से. सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी देयर फॉर द सप्लायर. समझ आया सबको कंडीशन वन? रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज. And if there is any doubt, you can unmute yourself right now and you can ask. Yes, Khushbu. Okay, fine. So most of you have understood. हम लोग आगे बढ़ते हैं. Condition two क्या कहता है? Condition two कहता है consider the second condition. अब दूसरा condition क्या पढ़ा था हमने? कि द मार्जिनल कॉस्ट इज नॉन डिक्रीजिंग एट क्यू जीरो. हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए. जो पॉइंट आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होगा सप्लाई साइड के लिए, वो डिक्रीजिंग पॉइंट नहीं हो सकता, वो हमेशा इंक्रीजिंग पॉइंट होगा. उसका रीजन हम सबको पता है, क्योंकि अगर वो डिक्रीजिंग पॉइंट पे होगा, जैसे वो अगर यहां पर है, इफ इट इज, व्हाई आई ऑलवेज फॉरगेट वेयर फ्रॉम टू टेक, अगर वो यहां पर है, इफ इट इज ओवर हियर,
तो क्या होगा, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था एवरीवन, दैट द गैप बिटवीन द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम यहाँ पर आप उसको प्रॉफिट ही ये प्राइस ही मान सकते हो, बिकॉज ये हमने पढ़ लिया पी इज इक्वल्स टू एम सी यहाँ पर होता है। तो अगर वो गैप आपके बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जितना डिक्रीज करता है प्रॉफिट उतना बढ़ता है, मार्जिनल कॉस्ट जितना ऊपर जाता है प्रॉफिट उतना घटता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो अगर इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मैच कर रहा है तो इसके बाद तो मार्जिनल कॉस्ट अभी और डिक्रीजिंग कर रेट पे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट हो ही नहीं सकता प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। वो एक बार नीचे जाने के बाद जब मार्जिनल कॉस्ट ऊपर की तरफ वापस जाता है और जिस पॉइंट पे प्राइस को कट करता है वो पॉइंट होगा मार्जिन, वो पॉइंट होगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट सेलर के लिए, सप्लायर साइड के लिए। व्हाई? बिकॉज अगेन द सेम थिंग, आप अगर इस पॉइंट की बात करोगे, Q1 पॉइंट की बात करोगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि Q1 पॉइंट में तो अभी तक प्रॉपर्ली प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, चूंकि आपने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और 1, 2, 3, 4 पे गए हो, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत मिनिमम पे है। आपका प्रोडक्शन एक एटलीस्ट एक ऐसे रेंज पे आ जाना चाहिए जब वो प्राइस लाइन को कट करे, जब आपका प्रोडक्शन एक प्रॉपर चल रहा है जो वो फिक्स्ड कॉस्ट भी उठा पाए, नंबर वन। नंबर टू, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो प्राइस को कहीं ना कहीं मैच कर रहा हो। तो इसीलिए हम पहले वाले पॉइंट Q1 पॉइंट पे नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है सप्लायर साइड का, वो कहां पर होगा, आफ्टर द Q3 पॉइंट एंड बिफोर द Q4 पॉइंट, जो F पॉइंट आपको दिखा रहा है, F का जो सिग्निफिकेंस है, वो वाले पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ठीक है। आप अगर इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यही है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप सब प्लीज एक बार पढ़ के आना इस बुक को। अब कंसिडर द थर्ड सिचुएशन, condition that must hold when the profit maximizing output level is positive. Notice that the third condition has two part. One part applies in the short run while the other part applies in the long run. पहले की जो दो condition है वो चाहे short run हो चाहे long run हो same है, ठीक है। लेकिन जो third condition है उसके अंदर short run में कुछ difference है और long run में कुछ difference है। कैसे? Price must be greater than or equal to average variable cost in the short run. Short run के अंदर because only one variable quantity है, that is average variable cost. इसलिए हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ओनली लेबर इज वेरिएबल। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो या तो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए प्राइस के, तभी हम कहेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का लेवल अटेन हो सकता है, अदरवाइज वी कैन नॉट। अब इस ग्राफ के थ्रू अगर हम समझे तो आप ट्राई करो इस ग्राफ को समझने का। अगर हम प्राइस को ये चार्ट मांग रहे हैं, ठीक है, ये प्राइस का चार्ट है जो नीचे वाला चार्ट है, ठीक है, और यहां पर इफ यू विल सी दैट इट इज कटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, ये जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अब अगर आप इसको ये मान लो कि OPAQ1 अगर आप ये मान के चलते हो कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहां पर, लेकिन जो शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इसके ऊपर है जो कि बी पॉइंट पे है, ठीक है। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा भी आप नहीं उठा पा रहे हो, दो अगर आप सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट के ग्राफ को लेके चलते हो तो आपको यहां पर एक कॉस्टिंग मिल रही है जो कि मार्जिनल कॉस्ट के ग्राफ पर प्राइस जो है वो इक्वल आ रहा है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज आप नहीं उठा पा रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो दैट दैट विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लेस फॉर द सप्लायर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे अगर सप्लाई करता है या प्रोड्यूस करता है सप्लायर तो वो हमेशा लॉस में रहेगा, वो प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता। इससे अच्छा तो वो सप्लाई करे ही ना, इससे अच्छा तो वो प्रोडक्शन करे ही ना, जीरो लेवल पे रहे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप अगर इसी 4.4 को हम लोग ध्यान रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द थिंग। ऑब्जर्व दैट द आउटपुट लेवल, दैट एट द आउटपुट लेवल Q1 the market price P is lower than the average variable cost. We claim that Q1 cannot be a profit maximizing output level. Why? Firm's total revenue at Q1 is total revenue price into quantity. So OPAQ1, ये हो गया उसका total revenue, OPAQ1, ठीक है? Similarly, the firm's total variable cost at Q1 is as follows, average variable cost into quantity, vertical height of OE and width Q1,
OQ1, the area of rectangle is OEBQ1, OEBQ1. अब देखो उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है OPAQ1, जो कि कम है वेरिएबल कॉस्ट के OEB, OEBQ1. तो जब टोटल रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जाएगा ही कैसे? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ फर्म टू बी इनटू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लेस व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज हायर देन द टोटल रेवेन्यू. क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. तो यहाँ पर तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता फर्म को. नाउ रिकॉल द फर्म्स आउटपुट एट Q1 इज TR माइनस TVC. अब इसको आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज आपको ऊपर समझ आ गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल हो ही नहीं सकता शॉर्ट रन में जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे कोई भी मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रहा हो. अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर या इक्वल टू पे कट करता है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल हो सकता है, क्योंकि वो खर्चा जो है वो वापस उठा पा रहा है जो उसका लग रहा है. सेम टू सेम अगर आप लॉन्ग रन में जाओगे तो शॉर्ट रन में जो कि हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, लॉन्ग रन में हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं करेंगे, एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे. व्हाई? सिंपल रीजन, आई एम अगेन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन व्हाई दिस थिंग, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड मी लेटर ऑन, तो उनको भी समझ आए कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है. उसका रीजन, शॉर्ट रन में सिर्फ एक चीज जो होती है आउट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, हम सिर्फ लेबर को वेरिएबल मानते हैं, कैपिटल को वेरिएबल नहीं मानते. लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है, आप उसको चेंज कर सकते हो. आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, कुछ भी करना है, अगर आपको बढ़ाना है घटाना है कुछ भी करना है, तो बोथ द थिंग लैंड कैपिटल लेबर सब कुछ आप मूव इन मूव आउट कर सकते हो इन द लॉन्ग रन. ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमें एवरेज कॉस्ट के थ्रू देखना होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ कर रहे हैं. अगर आप लॉन्ग रन में भी एवरेज कॉस्ट के थ्रू देखोगे तो देयर आर टू कर्व, एल आर ए सी एंड एल आर एम सी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो ओ पी ए क्यू वन के पॉइंट पर वो कट कर रहा है ए पॉइंट पर. ठीक है, एल आर एम सी कर्व को, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट के कर्व को. लेकिन हम उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्लेस नहीं मान सकते. उसका रीजन क्या है कि एवरेज कॉस्ट के, जो कि एवरेज कॉस्ट है जितना तो उठाना ही पड़ेगा फर्म को अगर कंटिन्यू करना है रन करना है, तो वो उतना भी नहीं उठा पा रहा. दैट इज ओ ई बी क्यू वन से कम है ओ पी ए क्यू वन, एंड दैट्स वाई दी That point, the OPAQ1 point or A point cannot be the profit maximization area, and that's why the price over here should have gone up. मतलब इस चीज को, इस price वाले graph को अगर आप जब तक इस range में नहीं लेके आओगे, मतलब आप समझ लो कम से कम यहां पर इस रेंज में या इस रेंज में नहीं लेके आओगे, तब तक आप प्रॉफिट की बात ही नहीं कर सकते. यू कैन नॉट टॉक अबाउट प्रॉफिट. ठीक है, व्हाई? बिकॉज एवरेज कॉस्ट ज्यादा है देन दी कॉस्ट विच देन दी सप्लाई एंड देन दी प्रॉफिट और देन दी प्राइस विच दे आर अर्निंग राइट नाउ. ओके एवरीवन, तो वो प्राइस सेट जो होगा वो यहाँ पे हो ही नहीं सकता. प्राइस सेट जो होगा वो दूसरी जगह पर होगा एट एनी अदर पॉइंट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. इज इट क्लियर एवरीवन? Any doubts still over here? अगर है तो please you can ask. Hello. अगर doubt नहीं है तो raise your hand. Doubt है तो ask me. I can only move on when I can see the raised hand by everyone. Otherwise, I'll have to wait for a while because... Okay. So, now let's move on to the next page of it. आप ये कर्व अब देखो, आप मैं इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस कर्व को आप ध्यान से देखो. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू सी दिस कर्व, दिस ग्राफ 4.6 वाले ग्राफ को अगर आप देखोगे प्रॉपरली तो आपको एक चीज समझ आ जाएगा. जो प्राइस यहां पर सेट था, दी प्राइस विच वाज सेट ओवर हियर, यहां पर सेट था, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो प्राइस सेट कहां पे किया है उन्होंने? यहां पर किया है. तो ये वाला जो प्राइस है, जो कि एस ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो आप देख रहे हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये इससे ऊपर है.
ठीक है, और वो SMC को भी कट कर रहा है, दैट मीन्स हमने जो पढ़ा था दैट P इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू MC, ठीक है, तो ये यहाँ पर SMC को भी कट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, तो जो प्राइस है वो जब यहाँ पर होगा और ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा और एवरेज कॉस्ट के भी ऊपर आ रहा है, SMC के ऊपर आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होगा एक किसी भी फर्म के लिए, ठीक है, तो अब ये प्राइस उसको सेट करना होता है क्वांटिटी वाइज, ठीक है, वो किस क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहा है और कितना कर रहा है, कितना मार्केट में डिमांड है, कितना वो सप्लाई करेगा, तो उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा बाय कटिंग द कॉस्ट, जो भी उसके पास जो कॉस्ट जो लग रहा है उसको माइनस करने के बाद, ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट दिस पॉइंट कि ये वाला पी पॉइंट जो है ये हमारा कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट नहीं हो सकता। द अदर पॉइंट जहां पर जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो रदर देन कमिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टू अपवर्ड स्लोपिंग, तो जब मार्जिनल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग होता है और वहां पर प्राइस कट करता है एमसी को, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट, बीट द लॉन्ग रन और बीट द शॉर्ट रन, ठीक है एवरीवन, सो वी नीड टू रिमेंबर दिस, ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी नीड टू रिमेंबर बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ अब हम सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म पढ़ेंगे। अब एक फर्म का जो सप्लाई कर्व है वो कैसा कैसा होता है, एक शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एक लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, बहुत इजी है, अगर आपने किताब पढ़ी थी पिछले दो दिन के गैप के अंदर तो आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी, अदरवाइज वंस दिस क्लास गेट ओवर गो एंड रीड द बुक, ऑलराइट, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑब्वियसली बाय गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ जो सबको समझाने का है तो मैं कल क्लास में समझाऊंगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ जो आपको सिर्फ फोन करके आपको मैसेज करके समझाने का है तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है एवरीवन। नाउ द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म शोज द लेवल ऑफ आउटपुट प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस दैट द फर्म चूजेस टू प्रोड्यूस करस्पोंडिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द मार्केट प्राइस प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, फर्म कितना सप्लाई करेगा ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितना डिमांड करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और डिमांड एक और चीज जो इंपॉर्टेंट होती है कि फर्म को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, वो ऐसे पॉइंट पर कभी सप्लाई नहीं करना चाहेगा जहां पर उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी वो उठा नहीं पा रहा, बिकॉज अगर वो नहीं उठा पा रहा वो उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी वो नहीं ले पा रहा मार्केट से, तो वो रन कैसे करेगा कोई भी फर्म को, फिक्स्ड कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट लॉन्गर पीरियड में उठता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसका रेगुलर, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो उसका रेगुलर उठना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर प्राइस ग्रेटर देन है या इक्वल टू है मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो यहां पर मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये देखो ये वाला जो जगह है, ठीक है, यहां पर ये एवरेज मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, अगर इसके ऊपर रहेगा प्राइस तो जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट पर कंपनी का या सेलर का या फर्म का आ सकता है, ठीक है, अब हम लोग P1 पॉइंट को मान के चलते हैं, एक बार P2 पॉइंट को आप भूल जाओ, हम लोग इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सपोज द मार्केट प्राइस इज P1 व्हिच एक्सीड्स द मिनिमम एबीसी, जो मिनिमम एबीसी है उससे ऊपर है मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, वी स्टार्ट आउट बाय इक्वेटिंग P1 विद SMC ऑन द राइजिंग पार्ट ऑफ द SMC, अब हम लोग राइजिंग पार्ट ऑफ द SMC जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, हमारा पॉइंट होगा प्रोडक्शन का ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर SMC जो है वो डिक्रीज कर रहा है, हमने अभी क्या बात करी थी, पॉइंट वही काउंट होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जहां पर SMC मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो ना कि डिक्रीजिंग स्लोप में हो, तो हम ये वाला पॉइंट मानेंगे, तो इसके इसलिए हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम पॉइंट की कौन सी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की Q1 पॉइंट की, ठीक है, दिस लीड्स टू द आउटपुट लेवल Q1। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, नोट ऑल्सो दैट ABC एट Q1 पे अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखोगे तो डज नॉट एक्सीड द मार्केट प्राइस P1, ये मार्केट प्राइस को एक्सीड नहीं कर रहा, मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ है, ये देखो इतना का गैप है, ये गैप है, ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ है Q1, अगर आप देखोगे, अगर ABC को जहां पे कट कर रहा है वो P1 से नीचे है, thus all the three conditions, जो भी हमने तीनों conditions पढ़े हैं
जो अभी पहले पढ़े थे कि मार्केट कैसे आगे बढ़ता है, मार्केट के अंदर उसको क्या क्या चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तीन कंडीशंस कौन कौन से हैं, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं Q1 के पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसीलिए हम ये मान के चलेंगे जो Q1 का पॉइंट है वो जो है वो सप्लाई साइड का बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो hence when the market price is P1, the firm's output level in the short run is equals to Q1. तो market price जब P1 होगा तो short run के अंदर firm's का level of output क्या होगा, Q1 होगा, और ये उसका profit maximization का point भी होगा। अब मन में सवाल आ सकता है कि सर P2 point पे भी तो हो सकता है ना, P2 point दिया हुआ है और यहाँ पे Q1 पे यहाँ पर भी मिल रहा है, match कर रहा है, तो ये क्यों नहीं। सीधा सा आंसर है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, P2 पॉइंट ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ कंडीशंस को भूल जाओगे तो आप ये कह दोगे कि हाँ सर यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ने साफ सिग्निफाई किया है हमें, दे हैव प्रॉपरली सिग्निफाइड थ्री कंडीशंस हैं, उनमें से एक कंडीशन कहता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और MC को कट करना चाहिए, SMC को कहां पे कट करना चाहिए, जहां पर वो डिक्रीजिंग लेवल पे ना हो, अपवर्ड गोइंग लेवल पे हो। तो यहां पर आप देखोगे इस पॉइंट पे जो P2 पॉइंट है वो प्रोडक्शन कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज उस प्रोडक्शन में कंपनी को लॉस है और काइंड ऑफ समझ लो जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि उसका फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं उठ रहा है, तो इसीलिए उस जगह पर प्रोडक्शन नहीं होगा, द प्रोडक्शन विल बी एट द P1 लेवल। व्हाई, बिकॉज three conditions are met which is important from the supplier side for the profit maximization of the firm. I believe everyone has understood this thing. If yes, please raise your hand so that we can continue to the next point. तो अब अगर हम आगे बढ़े तो यहां पर आप देखो वो शॉर्ट रन कर्व था, लॉन्ग रन कर्व के अंदर हमने किस बारे में बात करी थी, लॉन्ग रन कर्व पे हमने कहा था एवरीवन ऑफ अस कि शॉर्ट रन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलता है, लॉन्ग रन जो है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के नीचे अगर कोई पॉइंट आएगा, उसके नीचे अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो वो पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो अगर हम लोग ये बात करें कि यहां पर इस जगह पर P1 बना दिया हमने, P1 यहां पर, ये वाला जो पॉइंट है यहां पर लॉन्ग रन में भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है, यहां पर सेलर को लॉस होगा बिकॉज एवरेज कॉस्ट के नीचे है, अप टिल इट इज बिलो द एवरेज कॉस्ट एंड इट इज एट द पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, वहां पर कभी भी सेलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, वहां पर सेलर कभी भी प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल नहीं करेगा। व्हाई, बिकॉज वो लॉस में होगा। तो उसको कहां पर होना पड़ेगा, जरूरी है वेयर ही नीड्स टू बी एटलीस्ट मिनिमम दिस पॉइंट, जहां पे या तो वो इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर वो बड़े आराम से प्रोड्यूस कर सकता है और सेल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। अब इसके अलावा और कहाँ पर कर सकता है, ये देखो अगर वो इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पर भी कर सकता है, ये क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी जो हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा कब होता है, जब ये पॉइंट जो है वो मैच करता है दिस पॉइंट, व्हेन इंटरसेक्शन पॉइंट जो आता है अगर वो मैच करता है वहां पर LREC और LRMC, तो वो जगह जो होती है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की होती है। तो इस पॉइंट पर वो प्रोडक्शन करेगा इन द लॉन्ग रन, क्योंकि यहाँ पर उसका जो एवरेज कॉस्ट है लॉन्ग रन के अंदर वो बड़े आराम से निकाल पा रहा है, ठीक है एवरीवन। सो आई बिलीव हमने जो पहले कॉस्ट के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। देखो अगर आप प्रोडक्शन और कॉस्ट को भूल जाओगे, आपको चैप्टर वो वाला समझ नहीं आया होगा, ये याद नहीं रहेगा, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, बिकॉज सब कुछ उससे रिलेटेड है कि प्रोडक्शन कैसे होता है, कॉस्ट कैसे होता है, फिर वो सप्लाई साइड का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आता है, फिर मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे आएगा। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है, सेम टू सेम अगर आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में चले जाओगे, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चले जाओगे, तो कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, कैसे सप्लाई होगी, कैसे कॉस्ट होगा, कैसे प्रोडक्शन आएगा। तो इसलिए हमें प्रोडक्शन और कॉस्ट जो पहला चैप्टर था उसको बहुत थोरोली पढ़ना था, और हमने उसको बहुत थोरोली पढ़ा भी है, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक, उनको बहुत थोरोली समझ आया वो चैप्टर अभी भी। लेकिन अगर उस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज 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 उठा के पूछे, बिकॉज आगे जितना भी आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर जो पॉइंट है हमारा
कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होता है ये भी हमें यहाँ पर पता चल गया. इट्स ऑब्वियसली शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट, लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इम्पोर्टेंट, जिसको हमें याद रखना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज जो हमें याद रखनी है कि एक शटडाउन पॉइंट होता है हर फर्म का. Previously, while deriving the supply curve, we have discussed that in the short run, the firm continues to produce as long as the price remains greater than or equal to the minimum of ABC. Short run के अंदर ABC से ऊपर या फिर ABC के बराबर average variable cost तक जब तक price रहेगा, shutdown point तब तक नहीं आएगा company का. The moment it will move downwards to average variable cost, तो जो कंपनी है या फर्म है वो शटडाउन होने के गगार पर आ जाएगी. देयरफॉर अलोंग द सप्लाई कर्व एज वी मूव डाउन द लास्ट प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन एट विच द फर्म प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आउटपुट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेयर द एसएमसी कर्व कट्स द एवीसी कर्व. जहां से एसएमसी कर्व कट कर रहा है एवीसी कर्व को, वो उसका मिनिमम प्रोडक्शन पॉइंट है. अगर वो उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो कंपनी नहीं चला सकता. ठीक है, तो शॉर्ट रन में उसको शॉर्ट रन शटडाउन पॉइंट कहते हैं. ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर द शटडाउन पॉइंट इज अ मिनिमम ऑफ एलआरएसी कर्व. ठीक है, ये एलआरएसी कर्व और शॉर्ट रन वेरिएबल कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट रन के अंदर जो पॉइंट होगा, जैसे आप सपोज करो ये वाला पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूं. ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर ये वाला पॉइंट जो है शॉर्ट रन एबीसी कर्व, ये उसका मिनिमम पॉइंट है. इसके नीचे वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट का भी पॉइंट है. ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट. और लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ये वाला पॉइंट जो है वो उसका फर्म का पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो देखो दूसरी जगह है. ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के नीचे शटडाउन पॉइंट है उसका. अगर अगर वो इस पॉइंट के नीचे काम करता है तो वो कैसे काम करेगा, बिकॉज जो नॉर्मल डे टू डे कॉस्टिंग है ही इज नॉट एबल टू बेयर दैट ऑल्सो एंड द कंपनी इज रनिंग ऑन लॉसेस, सो दैट विल बी द शटडाउन पॉइंट ऑफ द कंपनी. वैसे ही शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट में भी एक शटडाउन पॉइंट होगा कंपनी का. दैट्स व्हाई वी से दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर उसका प्राइस होना चाहिए और उसका सेल होना चाहिए और क्वांटिटी आउटपुट होना चाहिए, और शॉर्ट रन में शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर उसका क्वांटिटी आउटपुट होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए, बिकॉज उसके नीचे वो काम नहीं कर सकता एज दैट इज द शटडाउन पॉइंट ऑफ दैट कंपनी और दैट फर्म. ऑलराइट एवरीवन, आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ. इफ यस प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन. ओके, थैंक यू सो मच. हम आज इसको यहीं तक रोकेंगे एंड वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिस नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेकडाउन पॉइंट एंड ऑल एवरीथिंग टुमारो, ताकि ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर लिया और अलग से भी कंप्लीट कर लिया. हमने रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा पढ़ा इस चैप्टर में जो था उससे, और हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में भी ज्यादा पढ़ा. नीचे कार्डबोर्ड लगा हमने उसको भी ज्यादा पढ़ा. उसका रीजन क्या है कि आगे वो सारी चीजें हमें काम आएगी चैप्टर्स के अंदर. तो ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट हो जाएगा. मैं आपको कल इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एवरीथिंग भेज दूंगा. प्लीज नोट दैट डाउन इन योर कॉपी एंड स्टार्ट डूइंग दैट. और हाँ, लास्ट चैप्टर का और इस चैप्टर का दोनों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है टी आर जेन और वीके ओरी बुक का, वो भी मैं आपको फोटो खींच के उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, ताकि वो भी आप नोट डाउन कर लें. जिसके पास वो बुक नहीं है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो शॉर्ट क्वेश्चन वहां से प्रॉपरली कर ले. अब आप बताइए, आपको किसी को अगर यहाँ पे कोई डाउट है कहीं पे भी आज के डे को लेके, तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. नहीं है, एवरीवन इज ओके विद द थिंग विच वी आर डूइंग राइट नाउ. यू डोंट स्पीक एट ऑल एवरीवन, एटलीस्ट अनम्यूट योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग व्हेनेवर आई एम आस्किंग यू टू स्पीक एटलीस्ट. Okay, fine. I think yes, yeah, sir. Rahul. Surely you people are understanding everything. Yes, sir. ठीक है, चलो then. Fine. At least one person has unmuted and give me the reply. Thank you, Rahul, for doing that. Thank you, class, and have a great day ahead. Jai Shri Krishna, and keep safe, please, everyone.